किसी से मांग करने आए हैं। हम लोग का ये मांग है सर कि हम लोग का दुकान 80 साल से हम लोग रह रहे हैं और हम लोग को हटा करके वो दूसरे को दुकान दे रहे हैं, ये गलत बात है। और जब आप लोगों को दुकान देना है तो वही दुकान हम लोग को दीजिए, हम लोग का परिवार को पढ़ाना है, हम लोग का बच्चा का भविष्य का सवाल है। साक्षी में फुटपाथ में दुकान लगाने को लेकर विवाद, दुकानदार पहुंचे DC कार्यालय। साक्षी बाजार में फल मार्केट के समीप अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदार आज जमशेदपुर DC कार्यालय पहुंचे। DC ऑफिस पहुंचे दुकानदारों में से एक महिला ने कहा कि वो DC से गुहार लगाएगी कि उन्हें उसी जगह पर दुकान लगाने दिया जाए, क्योंकि उनके बाप दादा 70 साल से ज्यादा से भी वहां पर दुकान लगा रहे हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर दुकान हटा दिया जाएगा तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अस्थाई दुकानदारों का कहना है कि पिछले 70 सालों से उनके द्वारा यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी चल रही है। अक्षेस द्वारा उन्हें टोकन भी दिया गया है, बावजूद इसके कोई कमल नाम का व्यक्ति बीते रात के अंधेरे में उक्त स्थल पर कब्जा करने आया था। साथ ही ये कहकर धमकी दी कि JNC द्वारा उसे उक्त जमीन अलॉट किया गया है, इसलिए उसका कब्जा करने आए हैं। अस्थाई दुकानदारों ने बताया कि इसी का वे विरोध कर रहे हैं और DC मैडम से मिलने आए हैं। दूसरी तरफ TOP पुलिस का कहना है कि उक्त जमीन TOP की है और वे अपने कब्जे में ले रही हैं। यदि कोई दखल देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस हम लोग DC से मांग करने आए हैं। हम लोग का ये मांग है सर कि हम लोग का दुकान 80 साल से हम लोग रह रहे हैं और हम लोग को हटा करके वो दूसरे को दुकान दे रहे हैं, ये गलत बात है। और जब आप लोगों को दुकान देना है तो वही दुकान हम लोग को दीजिए, हम लोग का परिवार को पढ़ाना है, हम लोग का बच्चा का भविष्य का सवाल है। हम लोग का बच्चा का भविष्य का कुछ खराब भी होगा तो वो कहाँ जाएगा बच्चा लोग? अगर हम लोग बच्चा का भविष्य खराब हुआ सर तो हम लोग अपना भविष्य खराब कर लेंगे, या तो बच्चा को मारेंगे या तो हम लोग मारेंगे, मगर हम लोग का दुकान नहीं हटेगा सर। हम लोग का यही है और हम लोग हर सबको रिक्वेस्ट किए हैं, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं कर। वो कमर नाम का एक आदमी है, वही हम लोग को हटा रहे हैं। अरे तो मुन्ना खान है, रात को 12 बजे से वो लोग खुदवाई और सब काम चालू करे थे सर। हम लोग को खबर हुआ, हम लोग 12 बजे रात से, हम लोग दिन का 12 बज जिए सर, हम लोग यहीं पर ही है। हम लोग यही गुजारिश है सर सबसे कि हम लोग को दुकान हम ही लोग को चाहिए, हम लोग को वहाँ जगह नहीं हटाना है। कि सर आप कहाँ पे सोच लगा लीजिए, हम और हम लोग का परिवार वही घर से वही दुकान से चलता है। अपना पैसा का जोर में हम लोग गरीब का पेट में लात मार रहा है, भगवान पता नहीं इसको कहाँ से बरसाया है। लोग गर्मी में हम लोग को हटा रहा है, वो उसका दौलत ज्यादा दिन रहेगा नहीं, वो भी सर्वनाश हो जाएगा, उसका दौलत भी सर्वनाश हो जाएगा। चावल के रेट हमें बोल रहे हैं, हमको हम बैठे खुद 50 साल से, इसके आगे मेरा बाप बैठता था, मेरा बाप बैठ गया, मेरा माँ बैठती थी, फिर मेरा बाप कोरोना का शिकार हो गई, हमको जने से कार्ड भी दिया है बैठने का। और ये 50 साल के बाद पहला बार ऐसा काम हो रहा है कि दूसरा को बैठा रहा है और हम गरीब को भगा रहा है। अभी हटा कौन रहा, पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है? पुलिस ने, वो कमरी है, वो 12 बजे रात में 1 बजे रात में आके धमका था हमारे लड़का लोग। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग जैसे बैठते हैं फूट में, हम लोग को पैसा बैठने दीजिए, हम लोग को कोई धंधा नहीं चाहिए, हम लोग इसी में कमाते खाते, मालिक बहुत देता है हम लोग को, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ता है लिखता है, हम लोग का भाड़ा गिरा सब, हम लोग जिंदगी पार हो गया, मेरा 74 साल हो गया उम्र मेरा, नहीं बेचते बेचते फुटपाथ में। हम बस यही बोल विनती कर रहे हैं कि मालिक से कि हम लोग का सहायता कीजिए, हम लोग गरीब का मदद कीजिए। आप लोग सहायता, हम लोगों को कमल के द्वारा हटाया जा रहा है सर। हम लोगों 50-60 साल से यहाँ दुकान लगाते हैं, हम लोगों का दादा ससुर सब हम लोग बैठ के उम्र से ये दुकान है। हम लोग का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई चीज नहीं दिया गया है। रात में 12 बजे रात को आके गड्ढा खोदा जा रहा है, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हम लोग के पास बहुत पैसा है, आप लोग उनको कभी क्या हटा देंगे, पर हम लोग नहीं हटेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को यही जगह चाहिए, यही दुकान चाहिए हम लोग को, हम लोग को यहीं से रोजी रोटी, हम लोग का बाल बच्चा यहीं पर ही से पलता है, खाता पीता है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग उनको एक बैग हटाया जा रहा है, हम लोग का सामान फेंक देता है, हम लोग का चल हटाया जाता है, हम लोग का सब चीज फेंक दिया जाता है, इतना नुकसान होता है हम लोग का पूजा पाठ के टाइम में, हम लोग कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी?
हम लोग हर चीज यहीं से करते हैं सर, हम लोग को यही जगह ही चाहिए। हाँ, हम जब जनेसी आप लोगों को परमिशन दिया है या आप लोगों को वो दिया है डिस्को कंपनी, तो पेपर दिखाइए सर हम लोग को। हम लोग को जनेसी जो कार्ड दिया है वो कार्ड के दूर हम लोग दुकान लगाते हैं और हटा देते हैं यहाँ से। हम लोग तो सरकार के मुताबिक चल रहे हैं, फिर हम लोग को दुकान क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग को अगर जनेसी आप लोगों को अगर दिया है अलॉट किया तो हम लोग को पेपर दिखाइए, तो ना हम लोग भी यहाँ पर नहीं हट लगाएंगे हम लोग फिर दुकान। हम लोग व्यवस्था कीजिए, हम लोग को यही जगह चाहिए सर हम लोगों को।